नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर राजसमंद के देवगढ़ से है, जहां हिंदू युवा सेना द्वारा देवगढ़ तहसीलदार उगम सिंह राज पुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि भगवा ध्वज के पोल गिराकर फाड़ने वाले गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि जयपुर गलवा तीर्थ स्थित आमागढ़ की पहाड़ी पर सत्ताधारी विधायक गंगापुर सिटी मीणा की उपस्थिति में श्री राम लिखा पवित्र भगवा ध्वज पोल को तोड़कर फाड़ दिया गया। साथ ही मांग की गई कि मीडिया के सामने 51 फीट का भगवा ध्वज वापस लगाया जाए व मीडिया के समक्ष माफीनामा देवे, नहीं तो भारतीय हिंदू युवा सेना संपूर्ण राजस्थान में आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। अभी हमने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार देवगढ़ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आमागढ़ पहाड़ी जो किला बना हुआ है उसके ऊपर रामकेश मीणा गंगापुर सिटी विधायक ने जो भगवा ध्वज था जिसपे श्री राम लिखा हुआ है उसको तोड़ दिया गया, नीचे फाड़ दिया गया, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके जल्द से जल्द वापस 51 फीट का भगवा ध्वज लगाया जाए, और अगर नहीं लगाया गया तो भारतीय हिंदू युवा सेना के तहत संपूर्ण राजस्थान के अंदर आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार एवं प्रशासन की होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।